हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम यहाँ देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जेआरएफ और एसआरएफ की जो पोजीशन है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में निकली है, उसको हम देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको पता चले कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में जो जेआरएफ और एसआरएफ की जो पोजिशन है वो वैकेंट है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आप मेरा चैनल जो है वो पहली बार विजिट किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी भी वीडियो को मिस ना कर सके और आपको मेरे हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। तो चलिए, अगर हम बात करें पहले जेआरएफ पोजिशन की, तो ये जो जेआरएफ पोजिशन है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, तो इन्होंने इसके लिए टाइटल भी दे रखा है। तो टाइटल इन्होंने बोला है डेवलपमेंट ऑफ रैपिड डिटेक्शन किट फॉर नोवल कोरोना वायरस, और इसको फंडिंग एजेंसी वो डीबीटी दे रहा है। अब अगर हम बात करें पोजीशन की, तो पोजीशन है जेआरएफ और जो नंबर अगर बात करें तो वो 1 है, और जो ड्यूरेशन और प्रोजेक्ट रहेगा ये 1 ईयर रहेगा, और टोटली ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे है। इसलिए इन्होंने एज लिमिट भी बोली, तो एज लिमिट मैक्सिमम 28 ईयर्स है एज ऑन 21 सितंबर 2020। अगर हम बात करें सेंसर क्वालिफिकेशन की, तो आपकी बीटेक, बी, एमएससी, एमई, एमटेक या इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी में, और अगर आपका नेट या गेट क्वालिफाई है तो यहाँ पे आपको प्रेफरेंस मिलेगा। अगर हम बात करें नेचर ऑफ द वर्क की, तो नेचर यहाँ पे क्या होगा आपके वर्क का, कि आपको कुछ एक्सपेरिमेंट जो लेबोरेटरी में परफॉर्म करने पड़ेंगे या फील्ड में भी आपको करने पड़ सकते हैं, ठीक है, और आपको जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के भी कुछ एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, जैसे कि पीसीआर हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक हुई, और आपको रिसर्च पेपर लिखने की एक अच्छी जो है राइटिंग स्किल भी आनी चाहिए, ये सब डिजायरेबल है। अगर हम बात करें फेलोशिप की, तो फेलोशिप आपको 31,000 पर मंथ मिलेगा, और डेट एंड टाइम ऑफ इंटरव्यू वो 21 सितंबर @11 AM, और जो ऑनलाइन वेन्यू रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, मतलब आपको ऑनलाइन ही इंटरव्यू देना है, और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन वो 20 सितंबर संडे है। तो इसके लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो सॉफ्ट कॉपी है अपनी सीवी की और जो अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आपकी मार्कशीट हो गया या पीएचडी डिग्री, या हम बोल सकते हैं एमएससी की डिग्री, या हम बोल सकते हैं कि आपका जो नेट या गेट का जो सर्टिफिकेट है आपने क्वालिफाई किया, तो आपको एक सिंगल पीडीएफ में बना के आपको माई मेल यहाँ पे सेंड करना है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने बोला है कि अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो वहां से आपको एनओसी लाना पड़ेगा यहाँ पे काम करने के लिए, जो कि ऑब्वियस है। इसके लिए नो टीएडीए होगा, क्योंकि आई थिंक जो इंटरव्यू जो है वो ऑनलाइन होगा। तो ये तो था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अलाहाबाद का, ठीक है। इन्होंने इसके लिए ये एप्लीकेशन फॉर्म भी इन्होंने मेंशन कर रखा है, तो आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आप अपने जो टेस्टिमोनियल्स और जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या नेट गेट का सर्टिफिकेट जो है वो सब भेज सकते, आपको भेजना है इस ईमेल आईडी पे asahu@iitac.ac.in पे, ठीक है। तो ये था हमारा जो पहला एडवर्टाइजमेंट जेआरएफ का, हम देख लेते हैं दूसरा एडवर्टाइजमेंट। तो दूसरा एडवर्टाइजमेंट जो है हमारा, ये एक वॉक इन इंटरव्यू है, ऑनलाइन इंटरव्यू है फॉर द पोस्ट ऑन जेआरएफ। तो इन्होंने नेम और प्रोजेक्ट भी दे रखा है, और जो इसकी गाइड है या पीआई डॉक्टर ईजी सिलास, तो सॉरी इसके जो प्रोजेक्ट है वो है डॉक्टर जी जिला सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इनोवेशन मैराइन फिश माइक्रोबायोम एंड द न्यूट्रीजिनोमिक्स, और जो पोस्ट है वो जेआरएफ, ठीक है। और जो वेन्यू दे रखा है इंटरव्यू के लिए, उन्होंने सेंटर मैराइन फिश रिसर्च इंस्टीट्यूट बिहाइंड हाईकोर्ट ऑफ केरला, ठीक है। अब देखिए, इसमें जेआरएफ की वैकेंसी वो 3 है, और जो वर्क लोकेशन जहाँ पे आपको काम करना होगा वो कोचिन और मंडापम है, ठीक है। अब जो ये पोस्ट है ये पहले 1 ईयर के लिए है, एंड एक्सटेंड हो सकती है आपके परफॉर्मेंस के बेस पे up to 5 ईयर्स, ठीक है, यानी 5 ईयर्स तक आपको यहाँ पे जो है वो काम कर सकते हैं। एज लिमिट भी दी है 35 ईयर मैन के लिए, 40 ईयर वुमेन के लिए, जो ऑब्वियस है। इसके बाद इसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर हम बात करें, तो मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए फिशरी साइंस में विद स्पेशलाइजेशन फिश न्यूट्रिशन फिश फिजियोलॉजी, ठीक। इसके साथ ही अगर आपकी मास्टर डिग्री लाइफ साइंस जूलॉजी या बायोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी में है, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें, तो आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स में, न्यूट्रीजिनोमिक्स में, मैराइन फिश हैचरी प्रोटोकॉल में, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी फेलोशिप या एमोल्यूमेंट्स की, तो 31,000 पर मंथ आपको मिलेगा फर्स्ट 2 ईयर्स तक, उसके बाद आपको 35,000 पर मंथ मिलेगा रिमेनिंग 3 ईयर्स के लिए। इसके साथ ही साथ आप यहाँ पे एचआरए के लिए भी एलिजिबल रहेंगे, तो आपको यहाँ एचआरए जो है वो 16% मिलेगा, ठीक है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट जो मैं पॉइंट्स जो मैंने आपको बता दिए। इसके साथ ही उन्होंने बोला है कैंडिडेट कैन मेल द एप्लीकेशन इन द फॉर्मेट अटैच टू द vijaygopal.p@icai.gov.in, ठीक है। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे आपको कुछ आपकी टेस्टिमोनियल्स या गेट या नेट के सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, या आपके पास कोई पेपर पब्लिश है, या आपने कहीं काम किया, तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को आप यहाँ पे भेज देंगे इस मेल आई डी पर स्क्रीनिंग के लिए, ठीक है। स्क्रीनिंग होने के बाद क्या होगा कि आपके लिए इंटरव्यू के लिए आपको कुछ गूगल लिंक या जूम लिंक कुछ
सेंड किया जाएगा जैसे ही, जिसके थ्रू आप जो है आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा नोटिफिकेशन था। बात करें हमारे तीसरे नोटिफिकेशन की, तो तीसरा नोटिफिकेशन है वो है इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, जिसे हम ICGEB भी बोलते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन 1 सितंबर 2020 को आया था, तो इसमें देखिए जेआरएफ की पोजीशन अवेलेबल है इन द ओमिक्स ऑफ एल्गी ग्रुप एंड डीबीटी ICGEB सेंटर फॉर एडवांस बायोलॉजी रिसर्च ICGEB। तो जो ये पोजीशन ICGEB में न्यू दिल्ली में है। अब जो ये पोजीशन है इन्होंने सिर्फ 1 ईयर के निकाली है, अब एक्सटेंशन हो सकता है इस पोजीशन का अगर आपका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा रहता है। इसके साथ ही टाइटल ही बता रखा प्रोजेक्ट का, तो टाइटल है मल्टी ओमिक्स इन माइक्रो एल्गे टूल्स एंड पाइपलाइंस फॉर डाटा इंटीग्रेशन एंड विजुअलाइजेशन, फंडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, इंडिया। तो इसके साथ ही इन्होंने जो प्रोजेक्ट है वही मेंशन कर रखा है। अगर आपको मल्टी ओमिक्स एंड माइक्रो एल्गे, अगर आपको एल्गे में इंटरेस्ट है और आप एल्गी में कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, तो आप जो है इस प्रोजेक्ट को कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा और ये जो एक्सपीरियंस जो है ये आपका जो है वो काम आएगा अगर आप कहीं और भी अप्लाई करते हैं। और मेरी जो बायोफ्यूल्स रिलेटेड जो कंपनियां होती है, आपने ये प्रोजेक्ट किया है तो वो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दे सकती है, क्योंकि जो बायोफ्यूल से मेनली वो जो ऑप्टेन किया जाता है वो मेनली एल्गे से किया जाता है, या कुछ इंपॉर्टेंट जो ट्रीज होते हैं जैसे कि जेट्रोपा हो गया तो उनसे निकाला जाता है। ठीक है, तो अगर आपने इस प्रोजेक्ट में काम किया है तो आप कोई भी बायोफ्यूल कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन्होंने बोला एज पर डीबीटी गाइडलाइंस। ठीक है, कैंडिडेट शुड हैव अ फर्स्ट क्लास एमएससी बीटेक एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी बायो इन्फॉर्मेटिक और एनी अदर रिलेवेंट फील्ड। तो अगर आप इसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपके पास तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ कैंडिडेट विद डीबीटी जीआरएफ कैट 2 नेट और गेट विल बी गिवन प्रेफरेंस। तो इसमें देखिए नॉर्मली अगर आपके पास नेट गेट होता है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाता है, लेकिन अगर आपने डीबीटी जीआरएफ का जो कैटेगरी 2 अगर है आपके पास, अगर आपने कैटेगरी 2 में क्वालिफाई किया है तो तब भी आपके लिए आप जो है इस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास नेट गेट नहीं है, आपके पास डीबीटी जीआरएफ कैटेगरी 2 वाला है, तब भी आप जो है एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए, और आपको जो फेलोशिप मिलेगा वो सेम मिलेगा। कैंडिडेट विथ प्रायर रिसर्च एक्सपीरियंस जीनोमिक्स प्रोटियोमिक कंप्यूटेशन बायोलॉजी विल बी प्रिफर्ड। तो अगर आपको जीनोमिक्स प्रोटियोमिक्स या कंप्यूटेशन बायोलॉजी में आपको एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। प्रूवन एक्सपीरियंस ऑफ हाइट थ्रू आउट डाटा एनालिसिस डेटाबेस वेबसाइट डेवलप पाइथन लिनक्स, अगर आपको ये सब में भी एक्सपीरियंस है तब भी आपको प्रेफरेंस मिलेगा। इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन सेंड देयर लेटेस्ट सीवी एंड कवर लेटर विद डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर साइंटिफिक एक्सपीरियंस मेंशनिंग द कोड ऑफ द पोजीशन 2। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो है अपना सीवी और जो आपको मैंने जैसे कि बताया आपके पास अगर नेट गेट क्वालिफाई है या आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप जो है वो भेज सकते हैं। और इन्होंने एड्रेस दे रखा है डॉक्टर पवन जितूर ग्रुप लीडर ओमिक्स ऑफ एलके ग्रुप ICGEB कैंपस होना असद माल। इसके साथ ही साथ आप जो है बाई मेल भी कर सकते हैं, और जो इनका जो क्लोजिंग डेट है वो है 15 सितंबर, जो लास्ट डेट है 15 सितंबर है। इसके बाद ये स्क्रीन करना स्टार्ट कर देंगे और उसके बाद अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए मेल किया जाएगा। तो दोस्तों ये था कुछ इम्पोर्टेंट जीआरएफ और एसआरएफ वैकेंसी डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में। अगर आप यहाँ पे किसी भी वैकेंसी में इंटरेस्टेड है, अगर आपको टाइटल जो प्रोजेक्ट का है वो इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो आप जो है इस पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहीं पे मेरा वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें भी ना जाए। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।